वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम आपको मिला रहे हैं मिज़राब बैंड से, सो दे आर जनाब। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं जी, फराज अनवर साहब हैं जो कि वोकलिस्ट भी हैं, लीड वोकलिस्ट हैं बैंड के, उसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं, उसके साथ साथ गिटार भी आप देख रहे हैं इनके हाथ में, गिटारिस्ट भी हैं और कंपोजर भी हैं, और 1997 से मिज़राब बैंड को माशाल्लाह लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ है जी इरफान अहमद साहब जो कि ड्रामर हैं बैंड के, और उनके साथ हैं जी मोहम्मद मुजम्मिल, छोटा सा है, यंग सा, मैं ये कह रही तुम्हारी एज बहुत छोटी लग रही है, और गिटारिस्ट हैं, और उनके साथ हैं बर्डी जो बेस्ट बेस गिटारिस्ट, फर्डी हारे लेकिन बर्डी ने लग दिया कि बर्डी, आई एम सॉरी बिकॉज़ दे हैव रिटन बर्डी हियर। वेलकम जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि 1997 यू वर द फर्स्ट बैंड जिन्होंने हैवी मेटल यहाँ इंट्रोड्यूस किया, लोग काफी क्लेम करते हैं वी वर द फर्स्ट, ये वो है, बट कैसे आइडिया आया कि इसको करके करना है? कर तो अंडरग्राउंड लोग कर रहे थे लेकिन कोई भी इसको मार्केट में नहीं आई थिंक लेके आया था, हिम्मत ही नहीं पड़ी थी लोगों की, तो कैसे आइडिया आया है, क्या सोचा? एक्चुअली आइडिया नहीं आया क्योंकि हम लोग बचपन से ही जो है रॉक म्यूजिक ही सुनते थे, तो पता था कि यही करना है, मतलब पहले लेकिन द मार्केट ऑब्वियसली द मार्केट इज पाकिस्तान में हमारे कौन से ज्यादा वो एंड 1997 इस तरह अलग हो जाता है क्योंकि बचपन से मैं सारा वेस्टर्न म्यूजिक सुन रहा था ना, यहाँ का म्यूजिक भी सुना था लेकिन कम सुनता था, वेस्टर्न म्यूजिक ज्यादा सुनता था, राइट, तो वो उस वक्त आवाम को तो देखा नहीं कि आवाम के लिए करना है अपने लिए बेसिकली सब कुछ, ये लोग होते हैं स्टार जो कि अपने लिए काम करते हैं, एक्चुअल मैं कहूंगी आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर। चलिए जी, आपने प्रैक्टिस की नहीं आज थोड़ी सी, जरा थोड़ा एक आध ट्रैक हो जाए ताकि हर वक्त ही रेडी, मुझे लगता है रहने वाले लोग हैं, थोड़ा एक आध हो जाए ताकि एग्जाम माहौल सेट हो जाए हमारा, देन वी कंटिन्यू द डिस्कशन। हैवी मेटल थीम है हमारी जी। अजनबी जीवन के सब
खूबसूरत मैं कहूँगी म्यूजिक का धमाल इसी को कहते हैं जी. आप बहुत वेरी नाइस ब्रिलियंट. आई मीन आई रियली एंजॉयड इट. और इतना एंजॉय करी थी, मुझे लग रहा था मैं कहीं साहिल पे बैठी हुई हूँ और कोई मजेदार सी सुन रही हूँ दोनों और कहीं और ही हूँ. अच्छा ये बताएं वो थी कौन वैसे? वो बस वो मेरा दिल जो जान भी है वो है कोई वैसे थी बहुत सारी हो सकती है. दैट्स अ गुड वन. अच्छा ये बताएं फराज कि आपने वाइटल साइंस के साथ भी प्ले किया, जुनून के साथ, नुसरत अली खान साहब के साथ, सजाद अली जैसे बड़े नामों के साथ, तो उनके साथ सबके साथ काम करके वो एक्सपीरियंस कितना अपने काम में आपके मतलब हेल्प आउट किया उसने? वो एक्सपीरियंस काफ़ी काम आया क्योंकि एक टाइम में काफ़ी मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं. एक दिन में दो दो तीन तीन रिकॉर्डिंग्स में कर रहा होता था और प्रोड्यूस भी काफ़ी किया है, तो वही एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है. उस ज़माने में ये था कि काफ़ी लोग वैसे कॉल करते थे और काफ़ी मतलब उस तरह ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है. लेकिन अच्छा मतलब इतने लेजेंड्स के साथ काम किया, एटलीस्ट यू हैव दैट. हाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिन लोगों के साथ मैंने सारा काम किया. अच्छा मज़ेदार. अच्छा ये बताएं कि आपका जो है वेस्टर्न जो बैंड है जिसको हैवी मेटल जिसको बचपन से सुनते थे जो आपका फेवरेट था वो कौन सा था? बहुत सारे थे, लंबी चौड़ी लिस्ट है. अच्छा आयरन मेडन एक था, डियो काफ़ी पसंद था. आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैं तो आज मुझे हुआ कि अच्छा ये भी सुनना है. चलिए आज आप लिख लिए या फिर घर जाके ना मैं जाके सर्च करूंगी. नहीं नहीं मैंने आप मैं अपने पाकिस्तानी सिंगर से बहुत खुश हूँ माशाल्लाह. आई मीन दे वेरी सक्सेसफुल. आपकी तो वीडियोज भी वगैरह देखी हुई ऑब्वियसली, बट यू नो सम पीपल आर नॉट इन टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक. जी क्या फरमा रहे थे आप? कुछ और बात कर रहे थे. अच्छा ये बताएं कि ड्रम आप ड्रम बजाते हैं एंड यू आर द गैंग, लेकिन बट यू आर जो कि जिसने बैंड को लेके चला है. लोग बहुत से आर्टिस्ट आए एंड जाते रहे, आते और जाते रहे, तो ये जो टीम है ये कब से एक साथ है? ये सारे न्यूज मेंबर हैं, ये मुजम्मिल, थर्डी, ये लोग सारे अभी आए हैं. एक्चुअली मैं यूके गया हुआ था और लास्ट जून में फिर मैं वापस आया था, तो फिर दोबारा से बैंड स्टार्ट किया. दोबारा से स्टार्ट किया तो फिर ये लोग सब साथ आ गए. तो इकट्ठे ट्यून बनाते हैं कैसे, मतलब आइडियाज कहाँ से आते हैं? आइडियाज एक्चुअली सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो सारी मैं ही करता हूँ, जो अरेंजमेंट है गानों की. और तो बेसिकली आइडिया मेरा ही होता है, फिर उस पर काम होता है. लेकिन काम ना आवाज कहाँ से आती है, किस वक्त पे आती है, ये कौन तो सी है? हर म्यूजिशियन के दिमाग में क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है मेरे ख्याल में कि कहाँ से ये आमद आती है और कैसे गाना बन जाता है. और पता नहीं बस ये देखें ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है. उसके बाद आप कितना खूबसूरत गिटार बजाते हैं. अच्छा ये सीखा है आपने प्रॉपरली इसको या फिर बचपन से बजाते बेसिकली? तो सेल्फ टॉट हूँ मैं. अच्छा. लेकिन पहले शुरू में मैंने कुछ क्लासेस ली थी कुछ महीने और उसके बाद काफ़ी टाइम फिर बजा बजा के अपने डेमोज रिकॉर्ड करके जो है काफ़ी एक्सपीरियंस वो करके फिर अब मुझे चांस मिला कि लास्ट ईयर फिर मैं यूके गया जाके फिर मैंने वो भी ये प्रॉपरली भी क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पता थी. हाँ, लेकिन ये कि वो 1996 में मुझे मिली थी. 1996 में स्कॉलरशिप. तो जनाब पढ़े लिखे म्यूजिक में भी पढ़े लिखे हैं ये. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आप नहीं मच जाएगा, स्टे विद अस. मैं जहाँ भी जाऊँ मिलते हैं मुझसे मेरे हजारों फैंस, मगर मैं ढूंढ रही हूँ अपना सबसे बड़ा फैन. अगर आप समझते हैं वो हैं आप, तो अपनी डिटेल्स ईमेल कीजिए ssbs@hum.tv पर. तो देखते हैं कौन है मेरा सबसे बड़ा फैन.
अच्छा हैवी मेटल जब भी लगता है ना आपको यू जस्ट स्टार्ट हेड बैंगिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है. और सबका मुझे ये बताएं कि हेयर स्टाइल बाल लंबे होना क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ द हेड बैंगिंग करना है या सबके मैंने देखे हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बाल लंबे ही होते हैं उनके. पता नहीं क्यों लंबे होते हैं. आपके क्यों लंबे? मुझे तो शौक था, एंग्वे मार्मस्टीन मुझे बहुत एक गिटार प्लेयर पसंद था, उसको देख के मुझे शौक था कि लंबे बाल ही होने चाहिए. और आपका जो हेयर स्टाइल इनको ब्रेक में मैंने कहा था मैं आपको पकड़ूंगी मैं आपको. आपको जो हेयर स्टाइल यहाँ तो बड़े लंबे लग रहे हैं और ये एटीज का हेयर स्टाइल होता है निगल का. तुमको बोनी बहुत पसंद है? I have no idea who is Bonnie. ये लोग हंसे इनको पता है किसकी बात हुई है मुझे कुछ नहीं पता. बोनी में कैरेक्टर था उसके बाल बिल्कुल ऐसे थे लेकिन बड़ा था ना वो एफ्रो जो बड़ी वाली मुझे देख लगाई होती लेकिन खुद ही इंजॉय कर रहे हैं बात करके. आगे बढ़ते हैं. आपने जवाब नहीं दिया लेकिन वैसे ही लाइक गर्मी नहीं लगती बालों में? बालों में गर्मी ऐसे कोई खींच के मान ले जैसे मैंने बाल में ऐसे बनाता नहीं था लेकिन वीडियो था उसमें साजिद ने बना दिए थे. मैंने कहा चलो इसको वैसे ही जाने दो. अच्छा सर मैं ब्रेक में बात कर रही थी फराज से भी और मुझे बताया था कि जी इनको बर्कले राइट बर्कली यूनिवर्सिटी से इनको स्कॉलरशिप मिली एंड म्यूजिक अवार्ड इनको म्यूजिकल अवार्ड मिला और इन्होंने सीखा नहीं था या वहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे थे और स्कॉलरशिप का क्या किया ये तो हम इनसे पूछते कि क्या बना ये दैट इज वन अचीवमेंट आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू यू. फिर आपने क्या किया स्कॉलरशिप? एक्चुअली हुआ ये था कि 96 में क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट तो होता नहीं था उस टाइम में